दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज मैं आपको एकदम परफेक्ट क्रिस्पी पानी पूरी बनाने का तरीका बताऊंगी। ऐसे बनाने से आपके बिल्कुल ठेले वालों के जैसे क्रिस्पी बनेगी। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखें। बहुत ही ईजी स्टेप के साथ अगर आप मेरी टिप्स को ध्यान में रखें तो आप बिल्कुल परफेक्ट पानी पूरी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कप मैदा लिया है। इसके साथ ही हम इसमें एक चौथाई सूजी डाल रहे हैं। ध्यान रखें सूजी बहुत ज़्यादा ना लें, एक चौथाई सूजी डाली है। और सूजी मैंने बारीक सूजी ली है, अगर आपके पास ना हो तो आप उसको मिक्सी में पीस के ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा एक पिंच सोडा। अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हमें हल्के से इसे आटा गूंदना है। तो आटा गूंदते समय ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कहते हैं कि बूरी के लिए बहुत टाइट आटा लगाना है, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा लूज़ आटा लगाएँ ताकि जो हमारी सूजी है वो फूलनी है। अगर आप पहले ही आटा टाइट लगा लोगे तो सूजी अच्छे से फूल नहीं पाएगी। तो हमने इसे हल्का सा, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं पर थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाया है। तो हम इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बार बार गूंथ लेते हैं, अच्छे से हमारी सूजी और मैदा जो है वो गूंथ जाए। उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे। तो हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ढक के रखेंगे जिससे हमारी सूजी है वो परफेक्ट फूल जाए और साथ ही साथ मैदा भी फूले। तो इसे हमने एक गीले कपड़े से ढक दिया है। तब तक हम पानी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा प्याज लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, थोड़ा पुदीने का पत्ता लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली है और थोड़ा सा इमली लिया है। अब इन सबको हमें अच्छे से पीसना है। इसके साथ ही हम मिला देंगे एक आधा चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। अब हमने इसको पीस के अच्छे से पेस्ट बना लिया है, जैसी हमारी हरी चटनी होती है वैसे ही। थोड़ी सी चटनी आप एक बाउल में निकाल लें, जितना आपको पानी बनाना है उसमें हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं 1 गिलास। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। तो इस तरह से हमारा पानी पूरी का जो पानी है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसमें अगर चाहे तो थोड़ा सा नींबू मिला दें तो थोड़ी और खटास आ जाएगी। इसके अलावा मैंने इमली की मीठी चटनी ली है और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो बनाएं। अगर आपको इसको बनाने का तरीका जानना है तो मुझे मैसेज करें, मैं इसमें बता दूंगी आपको। अब मैंने मसाला तैयार करने के लिए 2 आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से मैश कर दिया है, उसमें 1 आधा प्याज बारीक कटा हुआ डाला है और उसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, तो 1/2 चम्मच काला नमक लिया है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन का जूस डाला है खटास के लिए। आप चाहे तो अमचूर पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दें और मिक्स करके इस तरह से हमारा जो फिलिंग है वो तैयार हो गया। अब हम देखते हैं, हमारा आटा देखिए अच्छे से फूल चुका है और काफ़ी टाइट हो चुका है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सूजी डालने से और सूजी फूलने से जो है अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा के इसको एक बार और अच्छे से गूंथ लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो बार बार इसे बार बार चलाते रहें और हल्का सा तेल लगा के करें ताकि ये सॉफ्ट गूंथ लें। अब हमें इसे छोटी छोटी लोइयाँ बना देते हैं। तो हमारे जितना एक रोटी के लिए लोई बनती है उतना ही बना रही हूँ, तो मैं 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसे गोल रोटी की तरह छोटी सी लोई तैयार कर ली है मैंने, उस पर हल्का सा तेल लगाया है। तेल लगा के अब मैं इसे चकले पे बेल रही हूँ। अब आप इसे अच्छे से पतला सा बेल लें ताकि अच्छे से हमारी पतली पतली पूरियाँ बन जाए। अब पूरी के साइज़ का कोई भी एक ढक्कन या कटर ले लें और इस तरह से आप पूरे उन्हें छोटी छोटी पूरियाँ काट लें। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आप इस तरह से उठा के निकाल लें। तो बस हमारी परफेक्ट पानी पूरी जो है वो बेल के तैयार है। देखिए कितनी पतली बनी है, इसी शेप में बनाना है। और अब हम इसे गीले कपड़े पे डाल देते हैं ताकि हम जितनी सारी बाकी पूरियाँ बनाएं तो वो सूख ना जाए। तो इस तरह से हम रख देते हैं। अब हमने पैन में तेल गरम किया, तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए ये आप याद रखें। और एक बार तेल गर्म होने के बाद उसे आप मीडियम कर सकते हैं। अब गर्मा गर्म तेल में आप पूरियाँ डाल दें, देखिए एकदम से हमारी पूरियाँ बिल्कुल आसानी से फूल गई हैं, बहुत ही बढ़िया फूली हैं। तो हल्का सा दोनों तरफ से जैसे ये गोल्डन हो जाए आप इसे निकाल लें। इसमें तेल का गरम होना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ याद रखें आप, अगर तेल हमारा अच्छे से गरम नहीं है तो पूरियाँ फूलेगी नहीं। पूरियाँ डालने के बाद आप आग को मीडियम कर लें और 1 मिनट तक आप इसे फ्राई करते रहें ताकि ये हल्के से क्रिस्पी बन जाए। इस तरह से हमारी क्रिस्पी पानी पूरी तैयार है। अब हम इसमें फिलिंग डाल देते हैं। तो आप एक एक कर पूरी उठा लें, उसको इस तरह से हम फिलिंग डालने के लिए आप उसमें छेद कर दें। और उसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं थोड़ा सा आलू, जो हमने आलू मसाला बना के रखा हुआ है, उस आलू मसाले को अब इसमें डाल देते हैं। तो हमारी पूरियाँ बिल्कुल क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं, देखो बिल्कुल आराम से टूट रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो अब हमने इसमें आलू डाला है,
अब इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी मीठी चटनी। तो जैसे अगर आप नहीं लेते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पसंद करें तो आप इसमें मीठी चटनी डाल सकते हैं। अब हम इसमें हमारा पानी जो तैयार किया हुआ है वो इसमें डाल देते हैं, तो बस हमारी क्रिस्पी ठेले जैसी बिल्कुल परफेक्ट पानी पूरी तैयार है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें।